Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, viewers and friends and students. तो आपका मेरे इस YouTube channel M.B.MATHEMATICS पर स्वागत है. Students, इस वीडियो में हम topology में कुछ important theorem को discuss करेंगे. और जिस तरह के हमने interior point वाला topic शुरू किया है, उसमें हमें दो तीन theorem कर ली है. तो अगर आपने students वाले videos को नहीं देखा तो आप लाजिम ही देखें. उसमें मैंने आपको एक diagram की help से understand करवाने की कोशिश की है, तो उनको आप students से लाजिम ही देखें क्योंकि उन्होंने भी इधर यूज होना है. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने जो थ्योरम करना है उसकी स्टेटमेंट किया है कि अगर हमारे पास कोई ए और बी दो सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के, तो फिर हमें शो करना है कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर. तो क्या स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, कि हमें शो करना है कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर. ए और बी ये गिवन है हमें किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट है. तो स्टूडेंट्स, इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि इनके ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ठीक है. तो इसको अगर हम इसका सबसेट प्रूव कर दें और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दें, तो हम कह देंगे कि जो दोनों सेट्स से आपस में इक्वल है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इनको हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम इनका मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका हम यूज करते हैं कि ए और बी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के दो सबसेट है, ठीक है. लेट कह देते हैं कि ये ए है और ये कोई बी है, ठीक है. ये ए है और ये कोई बी है. तो इंटीरियर ऑफ ए स्टूडेंट्स क्या होगा, कि ये हम मान लेते हैं कि ये इंटीरियर ऑफ ए है और ये जो सेट है ये इंटीरियर ऑफ बी है, ठीक है. इसके ऊपर इंटीरियर लिख लेते हैं, ये भी इंटीरियर आ गया. ये बाहर वाला ए है और ये बाहर वाला बी है. तो अब स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल जो ओरिजिन बना है, ये क्या आ गया, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी. तो ये वाला ओरिजिन आ गया इसमें. इस तरह से स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड को स्टूडेंट्स देख लें. अब इसमें भी हमारे पास यही दो सबसेट हैं ए एंड बी. तो ये ए है और ये स्टूडेंट्स है बी है. अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर, ठीक है. पहले इंटरसेक्शन लेना है फिर उसका इंटीरियर लेना है. तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और इसका स्टूडेंट जब हम होल इंटीरियर लेंगे तो हमारे पास ये वाला ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है. ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर स्टूडेंट. तो इधर से हम देख सकते हैं दोनों में जो रीजन है वो ठीक बन रहा है, वो इक्वल है पार्ट्स, ठीक है. छोटे बड़े होने की वजह से आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है ये रीजन छोटा है या ये रीजन छोटा है, लेकिन ये दोनों रीजन आपस में बराबर है. तो इनको हमने स्टूडेंट से मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करना है, इसके पीछे ये बेसिक है, ठीक है. इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर ये इसको आप आसानी के साथ इसका मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम कैसे प्रूफ करेंगे इसका, इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम क्या कहते हैं, पहले कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का, ठीक है. ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन आता है, ठीक, वो सबसेट है ए का भी और वो सबसेट है बी का भी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसका इंटीरियर जो होगा वो इसका सबसेट भी होगा, इसके इंटीरियर का भी सबसेट होगा. बिकॉज जैसे पहले वाला लेक्चर हमने किया उसमें कहा था कि अगर ए बी का सबसेट है तो फिर ए इंटीरियर ऑफ ए इज आल्सो सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, ठीक है. तो उसका उस वीडियो को भी आप लाजमी देखें, इससे जो पहले वाली वीडियो है. तो ये देखिए उधर, ये वो जो थ्योरम हमने किया वो इधर यूज हो रहा है, ठीक है. उधर हमने डायग्राम की हेल्प से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाजमी देखें. तो हमने स्टूडेंट से कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इसका सबसेट है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है. और क्या होगा स्टूडेंट, एंड वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है. और इसका जो इंटीरियर होगा स्टूडेंट्स वो इस बी का भी इंटीरियर का सबसेट होगा. तो स्टूडेंट्स,
ये देखें, ये कोई सेट है, ये ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी पाया जाएगा। तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटीरियर, क्योंकि इसमें से ये ए में मौजूद, ए में भी मौजूद है, ए इंटीरियर में भी और बी इंटीरियर में मौजूद है, तो इसलिए इनके दोनों के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। तो इधर से स्टूडेंट्स हमने ये शो कर दिया कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ये साइड इसका सबसेट है। अब हमने शो कर ये वाला जो साइड है ये इसका सबसेट है, तो उसके लिए मैं स्टूडेंट्स चलिए इधर लिखता हूँ कि जो कन्वर्स एज वी नो द स्टूडेंट्स के ए इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होता है ए का, एंड बी का इंटीरियर जो है बी का सबसेट है। यानी ये देखें कि ये जो इंटीरियर ऑफ ए है वो ए का सबसेट है और बी इंटीरियर ऑफ बी जो है वो बी का सबसेट है, डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स हमने कैसे लिखा कि जो कि हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन डायग्राम को बनाते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इधर से आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर वो भी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। बट द ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस इधर से लिखेंगे कि ये जो इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी है ये सबसेट है किसका, इंटीरियर ऑफ ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर के, बिकॉज दिस सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ दिस। तो इधर से स्टूडेंट्स हमें ये शो कर दिया कि ये वाला जो साइड है ये इसका सबसेट है, और फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू वी कंक्लूड दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनका मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करते हैं। तो इसका आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले लें। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, और फीडबैक जरूर दिया करें। जो भी आपको इधर मेरी वीडियो में कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। जिस तरह मैंने पहले काफ़ी स्पीड से बोलता था तो मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि आप थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आहिस्ता बोलने की। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपका भी कोई मेरे इस किसी भी जो है ना वो कोई भी मेरे बारे में कोई आपका इशू हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो आगे मैं आइंदा से ऐसी गलतियाँ ना करूँ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।